धौलपुर के सैंपो से बड़ी खबर है। बारातियों से भरी कैंट्रा पलटने से हादसा हुआ है। पहाड़ी मरैना से जाकी जा रही थी ये बारात। आपको बताएं कि अचानक हाईवे पर सड़क से नीचे गड्ढे में पलट गई गाड़ी। बारातियों से भरी कैंट्रा में चीख पुकार मच गई। इस दौरान गाड़ी में सवार करीब 50 लोग बताए जा रहे हैं जो कि घायल हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंची पचगांव पुलिस भी एम्बुलेंस की मदद से हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है घायलों को। नेशनल हाईवे 123 पर पचगांव चौकी क्षेत्र की ये घटना है। बारातियों से भरी ये गाड़ी पलटी है। अचानक हाईवे पर सड़क से नीचे गड्ढे में ये गाड़ी पलट गई। बारातियों से भरी कैंट्रा में चीख पुकार इस वक्त मच गई। नेशनल हाईवे 123 पर यह घटना हुई है। धौलपुर के सैंपो से बड़ी खबर, बारातियों से भरी जो गाड़ी है पलटने से हादसा हो गया है। पहाड़ी मरैना से जाकी जा रही थी ये बारात। और देखिए, इस दौरान चीख पुकार मच गई। हालांकि घायलों को अस्पताल में पहुंचाया भी गया है। प्रदीप हमारे सहयोगी फोनलाइन पर है। प्रदीप, ये हादसा हुआ कैसे है, क्या जानकारी और मिली है? दरअसल देखिए, दर्दनाक हादसा है ये। नेशनल हाईवे 123 पर पहाड़ी मरैना के धौलपुर जिले के क्षेत्र है। पहाड़ी मरैना जहाँ से बारात सैपू थाना क्षेत्र के गांव जाकी की ओर जा रही थी, तभी अचानक धौलपुर के निकलते ही पचना चौकी क्षेत्र में यह बारातियों से भरी कैंटर गाड़ी जो अचानक हाईवे पर एक गड्ढे में पलट गई। पलटने के बाद गाड़ी मौके पर पहुंची। सूचना पकड़ पुलिस ने वहां घायलों को संभाला और एम्बुलेंस 108 के द्वारा लोगों को लगातार घायलों को जिला अस्पताल में पहुंचाया गया। घायल जैसे जिला अस्पताल में पहुंचे तो वहां भी अफरातफरी का माहौल हो गया और चिकित्सा टीम लगातार यहां घायलों के इलाज में छुटी हुई है। यहां कुछ घायल हैं वो गंभीर हालत में है। करीब 4 लोगों को वहां धौलपुर से जयपुर के लिए रेफर भी किया गया है। प्रदीप, कितने लोग घायल बताए जा रहे हैं कुल मिलाकर, क्योंकि जानकारी है कि 50 के करीब लोग इस गाड़ी में बैठे हुए थे? जी दरअसल आपको बताते हैं कि ये बारात में कुछ बुजुर्ग लोग भी थे, युवा भी थे और बच्चे भी थे जो बारात में जा रहे थे। तो अचानक ही गाड़ी पलटने से करीब 50 लोग यहाँ आते हैं, जिसमें कुछ लोग गंभीर घायल भी हुए हैं। और बताया जा रहा है कि जो गाड़ी में 50 लोग सवार थे, कहीं ना कहीं उनको सभी लोग हैं जो घायल हुए हैं। जी बिल्कुल, अब गड्ढे की वजह से बैलेंस बिगड़ गया प्रदीप, गाड़ी का, इस वजह से हादसा हो गया। जो घायल हैं वो अस्पताल में भर्ती करा दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।